दोस्तों आज भी बहुत सारे दोस्त यार हमारे ऐसे हैं जिनको यार नहीं पता कि कैसे रिचार्ज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज कर सकते हैं। बस इस वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखना, तभी आप समझ पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हम सफर टैग। तो चलिए दोस्तों चलते हैं डायरेक्टली फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे आपको मोबाइल रिचार्ज ऑनलाइन करना है। दोस्तों किसी भी मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करने के लिए आपको सिंपल अपने फोन पर सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करते ही फोन पे एप्लीकेशन का इंटरफेस आपके सामने इस तरीके से नजर आएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको होम पेज पे यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन दिख रहा है। आप यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जिस भी नंबर पर आप रिचार्ज करना चाहते हैं आपको यहाँ पर सर्च बाय नंबर और नेम पे आपको क्लिक करना है, और जिस भी नंबर पर आप रिचार्ज करना चाहते हैं आपको यहाँ पर उस नंबर को एंटर करना है। हालांकि दोस्तों अगर आपने नंबर पहले से अपने फ़ोन पर सेव करके रखा हुआ है तो आप अपने सेव वाले नंबर से भी यहां पर नंबर उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों हमें जिस भी नंबर पर रिचार्ज करना है हमने यहां पर एंटर कर लिया है, और यहां पर देखिएगा जिस नाम से हमने सेव करके रखा है अपने फ़ोन पे नंबर यहां पर आ चुका है। उसके बाद आप ओके करेंगे और यहां पर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आ चुका है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो किस कंपनी का है, वोडाफोन का है, एयरटेल का है, जियो का है या BSNL का है, आपके सामने आपको दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो यहाँ पर नंबर दिखा रहा है वो किसी और कंपनी का है तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना जो भी नेटवर्क है, जो भी कंपनी का आप सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि आपका जो सिम कार्ड है आपने किस स्टेट में खरीदा था, जहाँ पर भी आपने सिम कार्ड लिया था आपका सिम कार्ड का जो है स्टेट यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका स्टेट यहाँ पर गलत आ रहा है तो आप यहाँ पर स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो ये डिटेल है बिल्कुल सही है। तो अभी आप नीचे देखेंगे, अब आपको सबसे पहले रिचार्ज प्लान को सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको कितने रुपए का रिचार्ज करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपने कितने का रिचार्ज करना है तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे प्लान हैं 1-to-1 मेड फॉर यू, यानी कि अगर आपके नंबर पर कोई ऑफ़र चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1-to-1 मेड फॉर यू पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपके ऑफ़र दिख जाएंगे। अगर आपको अनलिमिटेड वाला प्लान का रिचार्ज करना है तो आप यहाँ पर अनलिमिटेड पे क्लिक करेंगे, जिसमें आपको कॉलिंग और इंटरनेट डेटा जो है मिलता है बिल्कुल अनलिमिटेड। और यहाँ पर अगर आपको बाकी प्लान यहाँ पर जो देखने हैं तो आप यहाँ पर और भी प्लान्स को आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल हमें अनलिमिटेड वाला प्लान करना है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अनलिमिटेड वाले प्लान पे। अभी हम नीचे आते हैं तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे प्लान हैं। जिस भी प्लान का आपको रिचार्ज करना है आपको सबसे पहले उस प्लान को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। चलिए अभी हमें यहाँ पर जो है 28 दिन वाला 149 का प्लान सेलेक्ट करना है, तो अभी हमें इसका रिचार्ज करना है 149 का, यानी कि 149 का। तो अभी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें क्या क्या मिलने वाला है, 2 GB हमें डेटा मिलेगा 28 दिन के लिए, साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो है अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ में 300 SMS हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले प्लान को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, तो आप इसको कंटिन्यू विद करेंगे, यहाँ पर आपका अमाउंट दिख जाएगा और जैसे आप कंटिन्यू करेंगे उसके बाद देखिएगा हमने यहाँ पर रिचार्ज का प्लान सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें पेमेंट करना है, तो हमें पेमेंट अपने बैंक खाते से करना है, और दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना बैंक खाते पहले से ऐड करके रखा हुआ है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कैसे फ़ोन पे पर अपना बैंक अकाउंट जो है ऐड किया जाता है, कैसे फ़ोन पे पर नया अकाउंट बनाया जाता है, तो इस पर हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखी है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, जब आप यूट्यूब पर हमारी वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुलकर आ जाएगा, और यहां पर मैं आपको एप्लीकेशन का और वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको आसानी हो जाए कि फ़ोन पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है और कैसे बैंक खाते को लिंक किया जाता है। तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर आप पेमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कैशबैक का भी ऑफर चलता है फ़ोन पे पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे बेस्ट ऑफर अप्लाई हो चुका है ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर रिवार्ड अप्लीकेबल भी है, तो हम यहाँ पर रिवार्ड अप्लीकेबल पर क्लिक कर लेते हैं। तो अभी आप यहां पर देखेंगे यहां पर बता रहा है कि आपको 500 रुपए तक का यहां पर जो है ऑफर्स देखने को मिल जाता है अगर आप रिचार्ज करवाते हैं। चलिए हम यहाँ पर जो है रिचार्ज पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जो भी हमने अपना UPI पिन बनाया था बैंक का तो हम उसको यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट पर नीचे से क्लिक कर देंगे। सबमिट करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग में चल रहा है, और यहाँ पर इजिली हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा रिचार्ज कम्प्लीट तरीके से
हो चुका है। आई होप दोस्तों आप फोन पे एप्लीकेशन से मोबाइल रिचार्ज करना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों यारों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई सवाल है क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी तरफ से इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो का अपडेट मिले सबसे पहले।